हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ब्लैक सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द यूट्यूब वीडियोस आई टोल्ड यू दैट आई वुड कंटिन्यू माय नेक्स्ट वीडियो ऑन अनदर नॉन फाइनाइट वर्ग दैट इज पार्टिसिपल्स बिकॉज बिफोर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू वीडियोज ऑन इन्फिनेटी बन जेर एज नॉन फाइनाइट वर्ग्स तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तीसरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमने बताया था ऑलरेडी देर आर थ्री नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव जीरण एंड पार्टिसिपल तो इन्फिनेटिव जीरण का ऑलरेडी आपके पास वीडियो पहुंच चुका होगा और समझ भी आया होगा अभी तक तो मुझे जितने कमेंट्स मिले हैं वो यही मिले हैं कि बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया है अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं बाय द वे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक पार्टिसिपल्स

एंड अ क्लॉस कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो ये जो पार्टिसिपल जब भी क्लॉस का काम करता है तो ये हमेशा डिपेंडेंट क्लास का काम करता है कैसे करेगा अभी आपको हम आगे एग्जाम्पल्स में दिखाएंगे देर आर थ्री पार्टिसिपल्स तीन तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकेंड इज़ पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल एक चीज़ हम आपको और भी बता दें किताबों में नहीं मिलता ऐसे ही बता दे रहे हैं पार्टिसिपल का मीनिंग पार्टिसिपेशन से भी निकालिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में कैसे फाइनाइट वर्ब के साथ ये नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपेट करेगी सेम वे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जब फाइनाइट वर्ब है उसके पहले ही पास्ट में कौन सी वर्ब पार्टिसिपेट कर चुकी है और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ कि वर्ब कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट कराएगी पहले एक एक्शन परफेक्ट कराएगी तो दूसरा एक्शन आएगा फिलहाल इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आई एम गोइंग टू डेलीनिएट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज मैंशन यर राइट तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट हियर कम्स द फर्स्ट पार्टिसिपल दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एक चीज अभी मैंने तुरंत पहले ही बताया था जस्ट पहले ही अभी बताया पार्टिसिपल को आप पार्टिसिपेशन से भी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जब एक्शन पार्टिसिपेट कर रही हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ये है, हम आई एनजी लगा देते हैं तो ये क्या बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल इट कॉन्साइड विद द फाइनाइट वर्ब हाउ डज इट कॉन्साइट विद द फाइनाइट वर्ब आपके सामने एग्जाम्पल देखिए आई सॉ हिम यहां पर सॉ I saw him, मैंने उसे देखा अब कॉन्साइड जो कॉन्साइडिंग एक्शन वो क्या है टॉकिंग विद्रेंजर इसका मतलब जिस समय मैं देखा उसी समय वो स्ट्रेंजर से बात कर रहा था तो आई सॉ हिम टॉकिंग इसका मतलब मैंने उसे बात करते हुए देखा मैंने उसे एक अजनबी से बात करते हुए देखा तो आई सॉ हिम टॉकिंग विद्रेंजर अब यहां पर सोइ फाइनाइट वर्ग इसी से वर कर रहे टॉकिंग तो टॉक में आजी लगा है राइट टॉक में आज लगा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बट ये कभी मत सोचिएगा कि वर में देता है और यहां पे नाउन नहीं है आई सॉ मैंने उसे देखा क्या करते हुए देखा हमेशा एक चीज याद रखिएगा जब भी पार्टिसिपल आएगी तो हिंदी में एक भाव निकलता करके या करते हुए करके या करते हुए और करके या करते हुए आएगा तो ऑलरेडी एक्शन कर जाएगा यानी पार्टिसिपल पार्टिसिपल प्रेजेंट करेगी किससे अपने फाइनाइट वर्ब से तो आई सॉ हिम टॉकिंग विद स्ट्रेंजर मैंने उसे एक स्ट्रेंजर से बात करते हुए देखा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए ही लेफ्ट द कैंडल उसने कैंडल छोड़ा कैसे छोड़ा बर्निंग जलते हुए देखिए यहां बात करते हुए यहां जलते हुए यानी ही लेफ्ट द कैंडल जिस समय वो कैंडल छोड़ा उसी समय वो कैंडल क्या कर रही थी जल रही थी यानी जलती हुई कैंडल वो छोड़ गया ही लेफ्ट द कैंडल बर्निंग आई सॉ हिम टॉकिंग तो यहां ज बात करते हुए यहां जलते हुए अब देखिए टर्निंग टू द लेफ्ट बाय मुड़ करके यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा तो यानी बाएं जैसे ही मुड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस यानी कि ऐसा नहीं कि आप बाएं मुड़ेंगे फिर वहां वेट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस मिलेगा जैसे ही आप बाएं मुड़ेंगे आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा तो यार टर्निंग हमने कहा ना करके या करते हुए बाए मुड़ करके आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा दोनों एक्सप्रेशन आपके आ रहे हैं इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में इसमें करके इसमें करते हुए इसमें करते हुए हमने कहा था पार्टिसिपल किसका काम करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का भी तो और इससे क्लॉज भी बनता है तो ये देखिए एक पूरा क्लॉज है ये टर्निंग टू द लेफ्ट बाय मुड़ करके यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस ये अपना एक क्लॉज का, का काम कर रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज का डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है

बर्निंग जब भी वर्ग में आन लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता नाउन की आ, है नाउन के पहले अगर वर्म में आन जी लगाए तो समझियो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसे कभी भी आप कोई भी नाउन ले लीजिए उसके पहले आन आया हो वर्ग में राइट एंटरटेनिंग पर्सन एनॉइंग पर्सन क्लियर इंटरेस्टिंग फिल्म और यहीं अगर इंटरेस्टेड करते तो इंटरेस्टेड इज पास पार्टिसिपल जो वर्ग के थर्ड फॉर्म से बनेगा तो जब भी आप में आंजी लगा के कि किसी नाउन से पहले लाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव होती है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है यानी कि ही इज एन इरिटेटिंग पर्सन वो कैसा पर्सन है इरिटेटिंग यानी परेशान करने वाला इस समय जो परेशान करता है लेकिन अगर आप किसी को परेशान दिखेंगे तो आप इरिटेटिंग नहीं है आप इरिटेटेड दिखेंगे जैसे आई फाउंड हिम इरिटेटेड आई फाउंड हिम एनॉयड इज दैट क्लियर दैट पर्सन द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग यानी मूवी इंटरेस्टिंग थी, थी यानी कि मूवी हमें इंटरेस्ट देती थी लेकिन हम मूवी को इंटरेस्ट लिए तो वी वर इंटरेस्टेड तो आई गॉट इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टेड तो इसका मतलब जो चीज कर रही है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो चीज हुई है वो पास पार्टिसिपल तो यहां पे सेंस क्या है प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा उस प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा नहीं कि बात हम पास की कर रहे हैं लेफ्ट सॉ राइट ये फ्यूचर में है विल लेकिन उस मोमेंट में जिस मोमेंट में फाइनाइट एक्शन आ रहा है उसी प्रेजेंट मोमेंट में अगर वर्ब अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा जो वर्ब की तरह भी काम करेगा नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम करेगा और एडजेक्टिव की भी तरह काम करेगा लास्ट टू सेंटेंसेज में जो इरिटेटिंग एंड बर्निंग है ये एडजेक्टिव का काम का का कर रहा है और ऊपर के जो तीन सेंटेंसेज हैं इसमें जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम का का कर रही है वर्ब आई होप ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर में आंजी लगा के बन, बनता है जिसका एक्सप्रेशन निकलता है करके या करते हुए जैसे सींग द लैन द चिल्ड्रेन गॉड फ्राइटेंड तो शेर देख करके इज दैट क्लियर आई हर्ड हिम मैंने उसे सुना क्या करते हुए सुना सिंगिंग अ सॉन्ग एक गाना गाते हुए सिंगिंग तो सिंगिंग sing, तो ये सब क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आई होप कि क्लियर हुआ होगा करके या करते हुए का एक्सप्रेशन देता है प्लस ये एडजेक्टिव का भी काम करता है अब हम चलते हैं दूसरे पार्टिसिपल की तरफ दैट इज पास पार्टिसिपल नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल अब पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है ये वर्क की थर्ड फॉर्म से वर्क की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं अब याद रखिएगा पास पार्टिसिपल समझने से पहले आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स भी पता होने चाहिए थर्ड फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए थर्ड फॉर्म ही नहीं पता तो पास पार्टिसिपल समझ में वैसे भी नहीं आना तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जैसे स्टील स्टोल स्टोलन राइट रोट रिटर्न बर्न 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 भी होता है भी होता है राइट सी सॉ सीन हिट 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 कट 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 पुट 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 ड्राइव ड्रोव ड्रीवेन राइड रोड रिडन लीड लेड लेड तो कहने का मतलब थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए उसी से ही पास पार्टिसिपल बनता है अब देखिए पास पार्टिसिपल एक्सप्रेशन क्या दे रहा है he looked. How he looked? Disappointed. अब ही लुक्ड हाउ ही लुक्ड डिस बताइए वो निराश करते हुए दिखा या निराश हुआ दिखा अगर कोई निराश हुआ दिखा इसका मतलब निराशा उसके साथ ऑलरेडी थी जब वो दिखा इसका मतलब ऑलरेडी यहां पे पास्ट एक्शन पास्ट का है जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब व्हेन ही लुक्ड जब वो दिखा तो उसके पहले ही डिसअपॉइंट वो हो चुका था अगर उस समय वो डिसअपॉइंट किसी करता रहता तो ही इज डिसअपॉइंटिंग जैसे आप मेरे पास आए आप मुझे होपलेस बना रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पर्सन है आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिसअॉइंटेड हो के मेरे पास आ रहे हैं तो हम आप डिसअपॉइंटिंग नहीं यू आर ऑलरेडी डिसअॉइंटेड तो यहाँ पर किया हुआ तो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है पास पार्टिसिपल का वो हमेशा आता है किया हुआ यानी ऑलरेडी एक्शन हो चुका होता है यहाँ किया हुआ एक्शन हुआ हो रहता है अब जैसे देखो शी फाउंड अपना पर्स कैसे पाई स्टोलन यानी जब वो अपना पर्स पाई तो देखिए अरे ये तो चुराई जा चुकी थी पर्स चुड़ चुकी थी यानी कोई उसका ऑलरेडी चोरी कर चुका था तो शी फाउंड स्टोल स्टोलन तो वह पर्स कैसे पाई चोरी हुई पाई जब देखी तो उसकी पर्स ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म से बना अब देखिए वो जलता हुआ घर नहीं बेचा जो घर बेचा वो कैसा घर था जला हुआ यानी कि उस घर में पहले ही आग लग चुकी थी घर जल चुका था अब यहां बर्ंट क्या है यहां पे वर्ब की तरह नहीं आ रहा अब यहां नाउन के, तो के पहले यहाँ पे वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में की तरह काम कर रही थी पास एडजेक्टिव राइट जैसे इंटरेस्टिंग फिल्म इंटरेस्टेड पर्सन डिसअपॉइंटिंग पर्सन डिसअपॉइंटेड पर्सन तो यहाँ पे बर्ंट हाउस तो कोई जलता हुआ घर तो बेचेगा नहीं कि घर जल रहा लो भाई खरीद लो तो इसका मतलब वो घर उसने वो वो घर बेचा जो ऑलरेडी जल चुका था बर्ट हाउस राइट ऐसे देखिए यहां कैसा, कैसा नजर आया लॉस्ट खोया हुआ खोता हुआ नहीं लूजिंग नहीं लॉस्ट राइट right? खोया हुआ ही लॉस्ट पे इन हिज थॉट्स अपने थॉट्स में वो खोया हुआ नजर आया राइट right? अब देखिए ही वो अ टोर्न शर्ट जो वो शर्ट पहना था वो कैसी शर्ट थी टीयर टोर टॉर्न मीन फाड़ना टोर मीन फटा हुआ और मीन सॉरी मीन फाड़ना टोर मीन फाड़ा मीन फटा हुआ तो यहां फटा हुआ शर्ट पहना था वो यानी जो शर्ट पहना था उसकी एडजेक्टिव क्या है फटी हुई तो उसने फटी हुई शर्ट पहनी टीयर टोर टॉर्न थर्ड फॉर्म से तो जब भी थर्ड फॉर्म लग जाए समझो किया हुआ एक्शन राइट जैसे ब्रोकन टूटा हुआ ब्रोकन टूटा हुआ ड्रिवन चलाई हुई ड्रिवन कार्स सेकेंड हैंड ड्रिवन कार राइट तो कहने का मतलब जब भी ये थर्ड फॉर्म में आएगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या वर्ब का, का काम करेगा जब वर्क की तरह काम कर तो पास पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का, तरह काम करेगी तो नाउन से पहले आएगी जैसे यहां और यहां आया है राइट आई होप ये पास पार्टिसिपल भी क्लियर हो गया पास पार्टिसिपल किस तरीके से काम कर रहा है एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह अब आगे हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे ओके okay. थर्ड पार्टिसिपल इज परफेक्ट पार्टिसिपेंट अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपेंट का क्या यूसेज है अभी हमने आपको फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपेंट उसमें भी मैंने बताया था और पास्ट पार्टिसिपेंट में भी बताया था कि पार्टिसिपेंट को हमेशा पार्टिसिपेशन से लेके चलो मीनिंग काफी कुछ क्लियर हो जाती है परफेक्ट पार्टिसिपेंट मतलब यह पार्टिसिपेंट जब भी अपने आपको पार्टिसिपेट कराएगा परफेक्ट तो फॉर्म में पार्टिसिपेट कराएगा यानी कि एक एक्शन पहले परफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा एक्शन होगा कैसे हैविंग अरेस्टेड द थीफ हैविंग अरेस्टेड यानी कि अरेस्ट करने के बाद किसी द थीफ को तो हैविंग अरेस्टेड द थीफ दोड्यूसड हिम बिफोर द जज यानी कि पुलिस ने किसी प्रोड्यूस किया हिम हिम मतलब द थीफ थीफ को किसके सामने जज के सामने लेकिन कब प्रोड्यूस किया यह तो दूसरा एक्शन था पहला एक्शन क्या था यहां पर देखिए क्लॉस की तरह आ रहा है थीफ थीफ को अरेस्ट करने के पश्चात के बाद पोलिस प्रोड्यूसड हिम बिफोर द जज यानी पहले एक एक्शन क्या हुआ कि अरेस्ट किया गया दूसरा एक्शन क्या हुआ कि उसे प्रोड्यूस किया गया किसने किया पोलिस बिकॉज द सब्जेक्ट इज गिवेन याद रखिएगा अगर एक्शन खत्म करने वाला मौजूद हो यानी दिया हुआ हो हु इज अरेस्टिंग द पोलिस इसका मतलब एक्सप्रेशन किस में जा रहा है एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का मतलब होता है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन शुड बी गिवेन यहां होना चाहिए लेकिन सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखिए थीफ बीन अरेस्टेड अब देखिए के साथ हमने क्या था having लगा के थर्ड फॉर्म से हम बनाते हैं परफेक्ट लगा के वर्क की थर्ड फॉर्म और इसका जो हिंदी एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है करने के पश्चात या करने के बाद या उपरांत राइट तो अब यहां कह रहा है थीफ बीन अरेस्टेड अब यानी कि यहां पे था चोर को पकड़ने के पश्चात करने के पश्चात पुलिस उसे जज के सामने प्रस्तुत की लेकिन यहाँ कह रहा है हैविंग द थी बीन अरेस्टेड चोर को पकड़ने के पश्चात नहीं चोर के पकड़े जाने के पश्चात अब यहाँ पे यह पैसिव वॉइस में एक्सप्रेशन जा रहा है इसलिए हैविंग के साथ जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो बीन आ जाएगा बाकी वो एज इट इज वर्क की थर्ड फॉर्म रहेगी यहाँ पैसिव वॉइस क्यों बनाना पड़ा क्योंकि देखिए कह रहा है हैविंग द थी बीन अरेस्टेड चोर के पकड़े जाने के पश्चात ही वॉज प्रोड्यूस बिफोर द जज जज के सामने उसे प्रस्तुत किया गया लेकिन पकड़ा कौन प्रस्तुत कौन किया सब्जेक्ट इज नॉट गिवेन एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट गिवेन हैज टू बी टोल्ड इन पैसिव वॉइस तो यहां पर अब यह कौन सा वॉइस आया पैसिव वॉइस बिकॉज एक्शन नहीं दिया है कौन अरेस्ट किया और कौन प्रोड्यूस किया इज दैट क्लियर यहां देखिए चोर को पकड़ने के पश्चात किसने पकड़ा था पुलिस ने सब्जेक्ट इज देयर प्रोड्यूस किसने किया था पुलिस ने यहां पे चोर के पकड़े जाने के पश्चात किसने पकड़ा इज नॉट गिवेन और किसने प्रोड्यूस किया नॉट गिवन इसका मतलब जब यहां पे अरेस्ट करने वाला और प्रोड्यूस करने वाला नहीं दिया गया है तो एक्सप्रेशन पैसिव में गया और जब भी पैसिव एक्सप्रेशन गया तो हैविंग के साथ हमेशा लग जाएगा बीन इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहां पे लिख दिया मैंने हैविंग बीन अरेस्टेड

उसे प्रोड्यूस किया गया यहां चोर पकड़ा गया इसके लिए प्रोनाउन लगाया गया यहां चूंकि नाउन नहीं तो प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं हमने सीधे नाउन को ही रख दिया जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का मतलब पैसे में सब्जेक्ट बट है बटा ऑब्जेक्ट क्योंकि ये पकड़ा पकड़ा गया है इसने पकड़ा नहीं अरेस्ट किया गया है अरेस्ट किया नहीं है यानी कि दोनों तरीके का सेंटेंस आप लिख सकते हैं राइट right? <coughs> अब एक और सेंटेंस देखिए यहां पे जो लिखा है थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट पहले आया है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल उसके बाद में आया क्यों आया है इसका एक रीजन है द सन हैविंग राइजन सन के राइज करने के पश्चात द फॉग गॉट क्लियर फॉग क्लियर हो गया यहाँ पे हमने अगर हम ऐसे कर दें हैविंग द सन राइजन हैविंग द सन राइजन या हैविंग राइजन द सन अगर हम हैविंग राइजन द सन करेंगे तो इसका मतलब हो सूर्य को उगाने के पश्चात तो, तो स्वतः उगता है हम उसे उगाते नहीं है इसका मतलब है, है। है, ये है। में जो स्वतः होता है उसमें हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं तब having के साथ third form लगाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए द रेन हैविंग स्टॉप्ड बारिश रुकने के पश्चात द मैच रिस्टार्टेड मैच पुनः शुरू हुआ अगर हम यहां लिखते इसका मतलब हो जाएगा बारिश को रोकने के पश्चात मैच पुनः शुरू हुआ तो इसका मतलब हम पहले बारिश रोके फिर हम लोगों ने मैच शुरू किया तो जो स्वतः घटने वाली घटनाएं उन्हें हम बोलते हैं, अपसल्यूट, अपसल्यूट राइट? या उसमें पहले आएगा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म बाद में लगेगा यह आप नोट कर सकते हैं इन नॉमिनेटिव अपसल्यूट द सब्जेक्ट वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज कम्स बिफोर परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले हमेशा यहां हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आएगा ही किसमें अगर नॉमिनेटिव ऑप्सल्यूट की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव ऑप्सल्यूट या आप अप्सल्यूट फ्रेज कह सकते हैं अप्सोल्यूट फ्रेज इज दैट के लिए ये अपसोल्यूट फ्रेज है या इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं जिसके पहले नाउन या प्रोनाउन का आना तय है क्योंकि इसमें अगर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म उसके बाद ये नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे तो एकदम मीनिंग बेकार हो जाएगी सेंसलेस हो जाएगा पूरा सेंटेंस राइट द सन हैविंग राइजन सन के उगने के पश्चात द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड जैसे द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड ट्रेन के रुकने के पश्चात द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड ट्रेन के रुकने के पश्चात वी गॉट इन टू द कंपार्टमेंट हम कंपार्टमेंट में चढ़े अगर हम कह दें हैविंग स्टॉप द ट्रेन ट्रेन को रोकने के पश्चात इसका मतलब पहले हम ट्रेन रोके फिर हम कंपार्टमेंट में चढ़ें तो गलत हो जाएगा पूरा सेंस गड़बड़ हो जाएगा तो नॉमिनेटिव अब के केस में आपको नाउने प्रोनाउन पहले लगाना है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल ठीक उसके बाद लगाना है आई होप इतना क्लियर हो गया अब आगे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है पार्टिसिपल्स परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में अब चलते हैं आगे द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो यूज एज डिफरेंट क्लॉजेस यानी पार्टिसिपल्स क्लॉज की तरह भी काम करते हैं जैसे पहला देखिए एडवर्ड क्लाज ऑफ टाइम यानी किस तरीके से पार्टिसिपल्स एडवर्ड क्लाज का एडवर्ड क्लाज ऑफ टाइम यानी टाइम तो बताता ही है एडवर्ड तो एडवर्ड क्लॉज की तरह कैसे काम कर रहा है जो टाइम बता रहा है एग्जाम्पल्स देखिए वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड तो वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड अगर वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई माई ओल्ड फ्रेंड अगर मैं करता हूं तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपल की बात हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकिन जब एक क्लॉज की तरह इसे बनाया गया वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड हम जानते हैं वाइल या वैन से ही हम एडवर क्लाज बनाते हैं जैसे आई मेट माई फ्रेंड वैन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क या वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क तो ये एक क्लॉज की तरह बन रहा है और कौन सा क्लॉज जो टाइम बता रहा है ये कहीं ना कहीं टाइम वाला क्लॉज है वो कैसा टाइ... टाइम वाला क्लॉज है क्लॉज है तो वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड एक सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने एक एडवर्ड क्लॉज में बना दिया जो टाइम बता रहा है दूसरा एग्जांपल देखिए एज आई आई वाज वॉकिंग इन द पार्क मेट माय ओल्ड फ्रेंड जैसा कि मैं पार्क में टहल रहा था उसी दौरान मैं अपने एक फ्रेंड से मिला राइट इन दो सेंटेंसेस की जगह तीसरा देखिए अगर सिंपल हमें क्लॉज uh, ना बनाना हो तो वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई फ्रेंड आई मेट माई गोल्ड फ्रेंड तो मैं अपने फ्रेंड से कब मिला जिस समय मैं टहल रहा था टहलते हुए टहलते हुए मैं अपने फ्रेंड से मिला क्लॉज नहीं है वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई फ्रेंड इसका मतलब मैं अपने दोस्त से कब मिला जब मैं पार्क में टहल रहा था तो मैं अपने दोस्त से कब मिला टहलते हुए मिला तो मैं टहल रहा था उसी दौरान मिला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया वॉकिंग तो एज वैन वाइल से जब हम टाइम ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इनको बहुत ही केयरफुली देखिएगा ये इसी सेंटेंस का एक ऐसा एक्सेप्शनल रूल रू है जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है व्हेन यू रीड इट यू फील लाइक या इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट बट वो करेक्ट नहीं होता जैसे वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क पार्क में टहलते हुए अ डॉग बिट हिम अब देखिए टहल कौन रहा था ही लेकिन बिट कौन किया डॉग लेकिन एक्सप्रेशन क्या दे रहा है वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क में टहलते हुए एक यानी कौन टहल रहा था डॉग डॉग नहीं टहल रहा था टहल तो वो रहा था ना यानी सेंटेंस गलत हो गया तो यहां पे हमें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क पार्क में टहलते हुए ही वॉज बिटन बाई अ डॉग उसे एक कुत्ते द्वारा काट लिया गया यानी कि पैसिव वॉइस में बना दो यहां इसका मतलब यह था वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क कौन पार्क में टहल रहा था जो टहल रहा था उसका सब्जेक्ट सबसे पहले लगाओ तो ही डॉग राइट अगर पहला सेंटेंस को आप सेंस निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया वो टह, जबकि टहलते हुए एक टहल था, and he, and right? इसका मतलब हो गया वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क पार्क में टहलते हुए he, तो वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाई अ डॉग तो ये था एडवर्ड क्लॉज ऑफ टाइम किस तरीके से पार्टिसिपल्स एडवर्ड क्लॉज ऑफ टाइम की बात करते हैं अब अगला फंक्शन हम देखते हैं नेक्स्ट देखिए पॉइंट किस तरीके से पार्टि, पार्टिसिपल्स एडवर्ड क्लॉज ऑफ रीजन का, का काम करते हैं रीजन मीन कारण में तो एडवर्ड क्लॉज ऑफ रीजन का जब भी काम करेंगे पार्टिसिपल तो करेंगे कैसे काम अब देखिए सिंपल मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है वर्किंग वेरी हार्ड शीज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन यानी कि बहुत कठिन मेहनत करते हुए उसने फर्स्ट पोजिशन सिक्योर किया तो यह तो सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है वर्किंग काम करते हुए राइट right? अब इसको किस तरीके से एक क्लॉज बना दिया गया है एडवर्ड क्लॉज बना दिया गया है जो रीजन बता रहा है देखिए ऑन अकाउंट ऑफ लगा के ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड बहुत मेहनत करने की वजह से शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन या सिंस शी वर्क वेरी हार्ड शी सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन अब ये क्लॉज का काम कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा हो और समझ लीजिए जब भी एडवर्ड क्लॉज ऑफ रीजन होगा वो या तो ड्यू टू से शुरू होगा या बिकॉज ऑफ शुरू होगा या ओइंग टू शुरू होगा या ऑन अकाउंट ऑफ होगा ऑन अकाउंट ऑफ तो दिस इज ओइंग टू ड्यू टू बिकॉज ऑफ वू ऑन अकाउंट ऑफ से जो क्लॉज शुरू होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं एडवर क्लॉज ऑफ रीजन क्योंकि ये कारण बताते हैं ड्यू टू किसी वजह से, से बताता है बिकॉज ऑफ भी किसी वजह से बताता है वैंग टू कोई रीजन बताता है और ऑन अकाउंट ऑफ भी रीजन बताता है तो कहने का मतलब एक सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस किस तरीके से क्लॉज में बदल गया वो भी एडवर क्लॉज ऑफ टाइम में एडवर क्लॉज ऑफ रीजन में सॉरी ठीक है अब हम चलते हैं तीसरा किस तरीके से अगला क्लॉज की तरह काम करता है कौन सा पार्टिसिपल ओके नेक्स्ट वी कैन सी हाउ द पार्टिसिपल्स आर वर्किंग एज क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट एंड एडवर्ड क्लॉज ऑफ कंडीशन अगर हम एडवर्ड क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की बात करें कॉन्ट्रास्ट मतलब जहां डिफरेंस बताया जाए हो ही ही इज इज रिच बट नॉट हैप्पी आपके सामने देखिए एक सेंटेंस है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी कॉन्ट्राडिक्शन है यहां रिच है लेकिन हैप्पी नहीं है अब इसको हम कैसे पार्टिसिपल से क्लॉज बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं ये देखिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट हमने दो वर्ड ऐड कर दिया इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए अगर एडवर्ब आपको लगाना है जो क्लॉज बनाएगा वो इन स्पाइट ऑफ से इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट यहां पे याद रखिए डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता कई बार स्पॉटिंग एरर्स में पूछ लिया जाता है डिस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड नो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड या डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड तो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी को हम एडवर्ड क्लास में चेंज करके कैसे बनाए हैं इन स्पाइट ऑफ बींग रिच बहुत रिच होने के भी बावजूद ही इज नॉट हैप्पी वह हैप्पी नहीं है या डिस्पाइट बींग रिच ही इज नॉट हैप्पी तो इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है फर्क इतना है डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है इज दैट क्लियर ये कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए था अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कंडीशन एक्सप्रेस करना हो अब है आपके सामने, इफ वाला, hard, आप करते हैं तो सफलता, right, सफलता मिलेगी इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखिए इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस कंडीशनल सेंटेंस है इसी के को देखो कंडीशनल क्लाज कैसे बनाया विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस तो

अब देखिए किस तरीके से पार्टिसिपल्स को हम कॉर्डिनेट क्लॉज में भी तोड़ सकते हैं जैसे रनिंग वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ते हुए ही ओवर मी वो मुझसे आगे निकल गया इसका मतलब ही रैन वेरी फास्ट वो बहुत तेज दौड़ा सो इसलिए ही ओवर मी हम जानते हैं फैन बॉयज ये सब कॉर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं सो एंड और नॉर बट येट ये सब कैसे क्लॉजेस हैं सॉरी कैसे कंजंक्शन हैं कॉर्डिनेट कंजंक्शन हैं

पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल इन्हीं को सिर्फ समझना है इज दैट क्लियर आई होप कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आज का टॉपिक जो हमारा था पार्टिसिपल दैट इज ओवर नाउ अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेजिए आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट दैट डाउट इज दैट क्लियर तो नाउ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए वी हैव डिस्कस्ड इंफिनेटिव जीरन एंड पार्टिसिपल्स, यानी तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और हमने एक चीज़ कहा था जैसे हम तीनों पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो तीनों से रिलेटेड हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कुछ क्वेश्चंस पे होगा हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस करा देंगे जिनसे हमारा इन्फिनेटिव जीरन पार्टिसिपेंट यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ड से क्लियर हो जाए तो इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कई स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए थे जिन पे उन्होंने कहा है कि प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक समझा दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनस में आते हैं हर तरीके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं और डेली लाइफ में हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते भी हैं क्योंकि सब्जेक्ट हम नहीं पहचान पाते उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भी नहीं लगा पाते तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छे समझते हैं और उसके साथ साथ कौन सी वर्ब लगानी ये भी हम समझते हैं तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे जो अगला वीडियो हमारा होगा वो एक्सरसाइजेस का जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड होगा तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा और प्लीज़ वेन एवर यू वॉच द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स थैंक यू